गुड मॉर्निंग। यह हमारी बीएससी पार्ट टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। इसमें हम अब तक कवर कर चुके हैं, देखो, स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवीआईआर कंप्लीट, एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, और अब हमारा चैप्टर चल रहा है इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड में फर्स्ट टू वीडियोस में हमने पढ़ा उनके नॉमनक्लेचर और आइसोमेरिज्म के बारे में। नॉमनक्लेचर ऑफ एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एंड टुडे विल स्टार्ट प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाने के विधियाँ। तो नंबर वन मैथड हम देख रहे हैं इसमें अंदर, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करें एसिडिफाइड डाइक्रोमेट से तो बेंजोइक एसिड बनते हैं। अब देखिए इसके अंदर खास बात क्या है कि एल्काइल बेंजीन में जो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, आर लिखा है इन जनरल मैंने, कितना ही बड़ा एल्काइल ग्रुप हो कितना ही छोटा हो, प्रोडक्ट इससे क्या बनेगा, एक कार्बन का बेंजोइक एसिड बनेगा। यानी यहाँ पर दैट इज नंबर ऑफ कार्बन एट एन एल्काइल ग्रुप डजेंट मैटर, इररेस्पेक्ट अपन लिख सकते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ साइज। अब इसके लिए दो एसेंशियल कंडीशन है, लेकिन एसेंशियल कंडीशन क्या है कि यहां पर बेंजाइलिक हाइड्रोजन होना जरूरी है, इट शुड हैव बेंजाइलिक हाइड्रोजन। दूसरी चीज, बेंजाइलिक हाइड्रोजन की संख्या जितना ज्यादा होगी उतना ही ऑक्सीडेशन ज्यादा ईजी होगा। तो दो एसेंशियल कंडीशन है इसकी, साइड चेन शुड हैव बेंजाइलिक हाइड्रोजन, और दूसरी कंडीशन है मोर द नंबर ऑफ बेंजाइलिक हाइड्रोजन easier will be the oxidation। अब मैं एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कितनी भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट इसका केवल एक ही है, बेंजोइक एसिड। अगर मान लो दो एल्काइल ग्रुप हैं तो दोनों किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ। से वी हैव टॉलवीन, टॉलवीन का ऑक्सीडेशन हमने किया है एसिडिफाइड K2OCr7 से, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। टॉलिन की बजाय हम लेते हैं मान लीजिए इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करें एसिड। अब इसके अंदर दो ग्रुप हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो क्या है कि किसका ऑक्सीडेशन ज़्यादा इजी होगा, टॉलवीन का या इथाइल बेंजीन का। अब इथाइल बेंजीन के पास दो बेंजाइलिक हाइड्रोजन है जबकि इसके पास तीन है, तो टॉलिन का ऑक्सीडेशन ज़्यादा इजी होगा इन कंपेरिजन टू दिस। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन किया K2Cr2O7 से। अब इसके अंदर केवल एक ही बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, एक ही बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, तब भी ऑक्सीडेशन होगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लो हमने लिया टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन और टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन किया एसिडिफाइड K2Cr2O7 से, टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। अब टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन जब लेंगे हम, देखिए, तो अब इसके पास कोई बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए नो रिएक्शन, ऑक्सीडेशन जो है इसका पॉसिबल नहीं होगा। अब इसमें हम ये क्वेश्चन ही बना सकते हैं, जैसे मान लो आपको चार कंपाउंड दिए हुए हैं, से इसका नंबर हम देते हैं ए, ये था बी और ये था सी और ये था डी, इनको ऑक्सीडेशन के इजीनेस के घटते क्रम में लिखो, विच विल बी ऑक्सीडाइज इजीली एंड विच विल बी ऑक्सीडाइज लेस इजीली। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए इज मोर देन बी इज मोर देन सी इज मोर देन डी, डी तो बल्कि क्या होगा, नॉट ऑक्सीडाइज एट ऑल, नॉट ऑक्सीडाइज। और ये हो गया इनका रेट ऑफ ऑक्सीडेशन,
रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ए का ज़्यादा होगा बी से, बी का ज़्यादा होगा सी से, और डी का ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं होगा। ऐसा कारण क्या आ गया? कारण मैंने शुरू में बता दिया था इसका, क्या कारण है कि बेंजाइलिक हाइड्रोजन, ए में बेंजाइलिक हाइड्रोजन 3 है, बी में बेंजाइलिक हाइड्रोजन 2 है, सी में 1 है, और डी में एक भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है। इसी प्रकार हम और एग्जांपल लेके देख सकते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो एक और एग्जांपल लिया हमने, ऑर्थोजाइलिन। अब ऑर्थोजाइलिन में दो ग्रुप हैं, बहुत ही अच्छी तरह इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, दोनों ग्रुप जो हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और दोनों ग्रुप के ऑक्सीडेशन से पॉट क्या बन जाएगा, थैलिक एसिड। नॉमनक्लेचर में अभी आपको मैंने नाम बताया था इसका, थैलिक एसिड, प्रोडक्ट विल बी थैलिक एसिड इन दिस रिएक्शन। इसी प्रकार मान लो पैरा पोजिशन पे होते या मेटा पोजिशन पे होते या अलग अलग एल्काइल ग्रुप हैं यहाँ पर भी, तो दोनों ग्रुप किस में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे दिस। तो इट इज़ अ रिएक्शन इज सिंपल, लेकिन इंपॉर्टेंट कंडीशंस आपको पता होना चाहिए, दो इसकी दो कंडीशंस क्या हैं, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आए इस रिएक्शन पे तो आप कर सकते हो। चलो नंबर टू मेथड्स लेते हैं फॉर द प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन। अब ये रिएक्शन आपके लिए नहीं है क्योंकि एल्कीन का चैप्टर पढ़ चुके हो। एल्कीन से बनाने के हमारे पास दो मेथड हो सकते हैं इसके, एक मेथड देखिए हम क्या बताता हूँ, एक मेथड क्या लिख रहे हैं हम, ऑक्सीडेशन। अगर हम एल्कीन का ऑक्सीडेशन कर दें एसिडिफाइड K2CrO7 और एल्कलाइन KMnO4 से, तो डबल बॉन्ड जो है क्लीव हो जाता है, और डबल बॉन्ड क्लीव होकर प्रोडक्ट क्या बनता है उसका, एसिड्स प्रोडक्ट बनता है। इन जनरल देखो जैसे मैं रिएक्शन लिखूं यहां पर RCH डबल बॉन्ड CHR-, ये एक एल्कीन लिया और इसका हमने ऑक्सीडेशन किया एसिडिफाइड K2Cr2O7 से। तो आपको क्या याद रखना है इसके अंदर, देखिए ध्यान से, जब भी इस प्रकार का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आप क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड को क्लीव करेंगे, और डबल बॉन्ड को क्लीव करके ये कार्बन एसिड बदल जाएगा, ये कार्बन भी एसिड बदल जाएगा, और इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। दैट इज बहुत इजी हो गया आपके लिए रिएक्शन लिखना, RCOH+R-COH। अब ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड के पास एक हाइड्रोजन होना जरूरी है। मान लो इस डबल बॉन्ड पर हाइड्रोजन नहीं है, दो एल्काइल ग्रुप है, तो फिर एक कार्बन तो कीटोन में ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा कार्बन जो है किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कीटो ग्रुप में, लेकिन डबल बॉन्ड क्लीव्स, ये ध्यान रखना डबल बॉन्ड जो है टूटता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, और एग्जाम्पल खूब सारे एग्जाम्पल बताता हूँ इस रिएक्शन के। जैसे मान लो हमने लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3, और इसका ऑक्सीडेशन हमने किया, तो इसके ऑक्सीडेशन से देखो ये बॉन्ड क्लीव होगा, दो कार्बन का एसिड, ये भी दो कार्बन का एसिड, तो पाउडर बन जाएंगे दो एसिटिक एसिड, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, एसिडिफाइड K2Cr2O7। अभी और एग्जांपल लेता हूँ, उससे और अच्छी तरह कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको इससे। चेंज करते हैं, इसी रिएक्शन का और एग्जांपल लेता हूँ। देखो CH3 डबल बॉन्ड CH CH3, इसका हमने ऑक्सीडेशन किया एसिडिफाइड K2Cr2O7 से। अगेन ये बॉन्ड क्लीव होगा, लेकिन देखो यहाँ पर H नहीं है, तो H ने ऐसे नहीं कि इसको एसिड बदल दो। अब ये वाला ग्रुप तो किस में ऑक्सीडाइज होगा, कीटोन बन जाएगा इस कार्बन से, और ये कार्बन किस में हो जाएगा, एसिड में, तो प्रोडक्ट बन जाएगा इसके अंदर एसीटोन। ये एग्जांपल मैंने इसीलिए लिखा है कि ऐसे नहीं कि हमेशा ही आप डबल बॉन्ड तोड़ के लगा दो, डबल बॉन्ड क्लीव होगा लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन होगा डबल बॉन्ड के पास, तभी क्या बनेगा, एसिड बनेगा, अदरवाइज एक कीटोन बन जाएगा। जैसे मान लीजिए साइक्लिक एग्जांपल लेके बताते हैं आपको, ये मान लो साइक्लोहेक्सीन। अब साइक्लोहेक्सीन का ऑक्सीडेशन करना है विद एसिडिफाइड K2Cr2O7। अब इसमें भी क्या होगा, बिल्कुल वही रूल लगेगा, मैंने बताया डबल बॉन्ड क्लीव कर दीजिए, तो विल क्लीव द डबल बॉन्ड,
क्लीविज के बाद दिस कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू एसिड, दिस कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू एसिड, तो अब ये लिंक्ड है आपस में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा एसिड बन जाएगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। 1, 2, 3, 4 ये कार्बन ऐसे कैसे रह जाएंगे, और प्रोडक्ट बन जाएगा इसका HOC। उसके बाद देखिए 1, 2, 3, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन आ गया CH2 4 COOH, एडिपिक एसिड इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। आई होप ऑक्सीडेशन आपको समझ में आया होगा। और एग्जांपल बताया, मतलब एग्जांपल जितने ज़्यादा करते हो एक बार रिएक्शन समझने के बाद उतना ही क्लियर होता है। जैसे ये भी एल्कीन लिया, और इस एल्कीन में यहाँ पे आपने मिथाइल ग्रुप लगा दिया है, और अब इसका हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं किससे, एसिडिफाइड K2Cr2O7 से। जब इसका ऑक्सीडेशन K2Cr2O7 से करेंगे तब देखिए क्या होगा, बिल्कुल ये क्लियर होगा, लेकिन अब यहाँ पर देख लो H नहीं है, H नहीं है, तो ये वाला कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएगा कीटो में, और ये कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में। तो इसका प्रोडक्ट लिखने कैसे लिखेंगे, देखो इधर देख के लिखो CH3, उसके बाद ये वाला कार्बन ऑक्सीडाइज होगा सीडबल बॉन्डों में 1, 2, 3, 4, उसके बाद CH2 4 एंड देन COOH। डन, समझ में आया आपको ये प्रोडक्ट, मतलब ये रिएक्शन लिखना आ गया। तो कभी भी एल्कीन के ऑक्सीडेशन में आंसर में आपकी गलती नहीं हो सकती है। जैसे अब इसका नाम लिखे, मान लो कार्बन नंबर 1, फिर 2, 3, 4, 5, देन 6 एंड देन 7, तो 6 पे क्या है, ऑक्सो, 6 ऑक्सो हेप्टेनोइक एसिड, 6 ऑक्सो हेप्टेनोइक एसिड। एल्कीन से बनाना का एक दूसरा मेथड होता है, उसे हम बोलते हैं कोच रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, कोच रिएक्शन। कोच रिएक्शन में क्या होता है, देखिए कि जो एल्कीन जो है उसकी रिएक्शन हम कराते हैं किससे, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से कैटलिस्ट फॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में कार्बन मोनोक्साइड और स्टीम से करवाते हैं। तो प्रोडक्ट क्या बनता है इससे, कार्बोक्सिलिक एसिड इज द प्रोडक्ट फॉर्म। देखिए ध्यान से एग्जांपल, कि एल्कीन की रिएक्शन कार्बन मोनोक्साइड और स्टीम, इसके जगह ये क्या लेना है हमको, स्टीम लेना है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट फॉस्फोरिक एसिड हाई टेम्परेचर और प्रेशर। प्रेशर क्या चाहिए इसके लिए, बहुत ज़्यादा चाहिए। तो ये जो ग्रुप है डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक पे आपको क्या जोड़ना है H, और दूसरे पे क्या जोड़ना है COH, दैट इज एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कोच रिएक्शन। मान लो अगर मास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यही रिएक्शन हम उससे कर रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर, सेम कंडीशन हाई टेम्परेचर और प्रेशर फॉस्फोरिक एसिड, ये स्टीम है। अब इस केस में आपको क्या ध्यान रखना है, ये वाला कार्बन में तो एसिड आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एच मेन प्रोडक्ट जो होगा इसका, बल्कि CH3 CH3 COH, दैट इज आंसर इज CH3 twice CH COOH, आइसोब्यूटायरिक एसिड इज द प्रोडक्ट, आइसोब्यूटायरिक एसिड। प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज आइसोब्यूटायरिक एसिड इन दिस केस, इस केस में प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आइसोब्यूटायरिक एसिड। ओके, नेक्स्ट मेथड लेते हैं प्रेपरेशन का। नेक्स्ट मेथड इज नंबर 3, फ्रॉम GR। GR आप सब जानते हैं, देखो GR का मतलब क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिजेंट की रिएक्शन, अगर हम इसका प्रिंसिपल ये है कि ग्रिग्नार्ड रिजन की रिएक्शन किससे करवाई जाए, कार्बन डाइऑक्साइड से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो पहले प्रोडक्ट क्या बनेगा, एडक्ट, और इस एडक्ट का हम हाइड्रोलिसिस कर दें तो प्रोडक्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले हमेशा रिएक्शन ऐसे ध्यान रखो कि GR कोई भी GR हो सकता है, एलिफेटिक एरोमेटिक, R कैन बी एनीथिंग। पहले मैं R से रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ, फिर कोई भी एग्जांपल आप अपने आप डायरेक्ट आंसर लिख लोगे। तो RMGX की रिएक्शन किससे लिखने, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करने पर ये क्या बनाएगा, एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा। कैसे बनेगा एडिशन प्रोडक्ट, देखिए ये C है, कार्बन डाई
ऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड से एडिशन प्रोडक्ट क्या है, देखो ओ पे क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज, तो ओ पे तो क्या जुड़ जाएगा, एम जी एक्स, और कार्बन पे क्या आ जाएगा, आर। तो फर्स्ट एडिक्ट बनाना सीखे, ओ डबल बॉन्ड सी, इस एक ओ पे आ गया एम जी एक्स और यहाँ पे क्या आ गया आर, इसे हम क्या बोलते हैं, एडिक्ट, युगात्मक उत्पाद, एडिशन प्रोडक्ट। एंड दिस एडिक्ट ऑन हाइड्रोलिसिस, इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस करने पर क्या होगा, देखिए यहां पर ओ एच एच, तो प्रोडक्ट विल बी आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस यहां पे क्या आ जाएगा एम जी एक्स एच। यानी आपका रिएक्शन आप कर रहे हो जी आर से, तो जी आर का आएगा आर और उस आर में क्या जोड़ दी सी ओ एच, कैसा भी आर आ जाए, आर कुछ भी हो सकता है। अब मैं डायरेक्ट आपको एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ इसके, जैसे मान लो आपने रिएक्शन कराया इसका, एक ही स्टेप में लिखेंगे अब मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और रिएक्टेंट हम एरो के ऊपर लिख देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। आपको पता पड़ क्या बनता है, आर सी ओ एच। अब आर यहाँ पर क्या है, मिथाइल, तो बिल्कुल सिंपल हो गया इसका आंसर लिखना, आपको आर लिखना है, आर आया यहाँ पर मिथाइल, तो आर आ गया मिथाइल, आंसर विल बी दिस। अब मान लो हमने लिखा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से किया हाइड्रोलिसिस। अब आपको दे देखना आर, अब आर ये था, आर क्या क्या आपको क्या लगाना है, सी ओ एच, आर इज दिस, आंसर क्या हो जाएगा सी ओ एच, बेंजोइक एसिड क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट विल बी बेंजोइक एसिड। तो ऐसे कोई भी आर आप चेंज कर सकते हो, एलिफेटिक, एरोमेटिक, सबसे क्या बन सकते हैं हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकते हैं। फोर्थ नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन लेते हैं फ्रॉम 111 ट्राइहैलाइड्स, फ्रॉम 111 ट्राइहैलाइड्स, 111 ट्राइहैलाइड्स जो होंगे उनका अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें एल्कली से, उनका किससे करें हाइड्रोलिसिस एल्कली से, तो क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं, दे आर हाइड्रोलिसिस विद एल्कली फॉर्म्स कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे एग्जांपल लिया हमने HCCl3, अब HCCl3 का हमने हाइड्रोलिसिस किया एल्कली से, तो माइनस क्या हो जाएगा 3KCl, और इस कार्बन पे क्या हो जाएंगे 3OH आ जाएंगे, 3OH आने का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा HCOH OH OH। अब ये वाला जो कंपाउंड है क्या होगा, अनस्टेबल होगा, और अनस्टेबल का मतलब इट विल लूज वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर मॉलिक्यूल लूज होके प्रोडक्ट क्या बन जाएगा इससे HCOOH, फॉर्मिक एसिड इज द प्रोडक्ट फॉर्म। और एग्जांपल लेते हैं इसका CH3CCl3, इसका हाइड्रोलिसिस करें हम, डायरेक्ट लिख देता हूँ प्रोडक्ट इसका, इसके अंदर यहाँ पर क्या आएंगे 3OH आएंगे, चलो लिख देते हैं COOH3। ये अनस्टेबल होगा, ध्यान रखना है आपको, बहुत बार आ चुका है स्टेप आपके पास, अगर एक ही कार्बन पर दो या दो से ज़्यादा OH ग्रुप होते हैं दैट कंपाउंड इज अनस्टेबल, लूजेज वाटर इमीजिएटली। तो इस आंसर क्या बन जाएगा इसका, एसिटिक एसिड। ऐसे और एरोमेटिक का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए CCl3, इसका हाइड्रोलिसिस किया -3KCl, अगेन COOH3, इट विल लूज माइनस वाटर, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा इसे, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड इज द प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम दिस। इस प्रकार 11 ट्राइहैलाइड्स ऑन एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस फॉर्म्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो आज हमने चार मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन डिस्कस किए हैं, इसके बाद और बहुत सारे मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन अभी हम करेंगे, है ना। मेजर हमको ध्यान रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स में जो एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन होंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि हम रिएक्शन से पहले करेंगे। मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन बताने के बाद
नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पे इफेक्ट ऑफ हीट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वो हमें आना चाहिए। जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, जब भी आप वीडियो देखें कॉपी और पेन लेके बैठें और साथ साथ अपने नोट्स बना लें, तभी ये वीडियोज़ आपके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद होंगे और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। कीप डूइंग योर वर्क। थैंक यू वेरी मच।